विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। असली चीज पाए बगैर अगर सिद्धि में जाओगे अहंकार डबल मोटा हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये अध्यात्म है, अरे वो अध्यात्म नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले, सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो, लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें, अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने, बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, हर लेयर से मुक्ति मिले।
सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे, बुराई की भी जो अच्छाई है उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती है। लोग डरों से बाहर आ जाए, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाए, पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तपर्पण करें, ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आप सत्संग में आते हो तो एक्चुअली क्या करते हो? वही करते हो जो लड़का करता है। क्या करता है लड़का? पिताजी से पैसे लेकर जाता है, शाम को रोते आता है कि मैं स्कूल गया पैसे लेकर, फिर इसने छीन लिए, उसने छीन लिए, रोते हुए आता है जेब खाली। तो पिताजी कहता है रो मत, वापस ले उतने पैसे। वो लेता है, खुश होकर जाता है। दूसरे दिन वही बात होती है, फिर लुटा कर आता है, पैसे लुटा कर आता है। वो जुआ चल रही थी उधर, खेला उसने तो सब चीटिंग की, सब पैसे गए, चलो वापस लो। रोते हुए बच्चे को क्या करोगे? अच्छा वापस दिया तुमको उतना, रो मत। तो सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आता है पर्सन, लुटा लुटाया पिटा पिटाया, यानी माया में जाकर चेतना गिर गई, बड़ा दुखी होकर आ गया। सभी ऐसे आएंगे ऐसा नहीं है। कोई सत्य को समझने आता है, कोई दुख से मुक्त होने के लिए आता है, कोई चाहता है मैं दूसरों की सेवा अच्छे ढंग से कैसे करूं इसलिए आता है, कोई इसलिए आता है कि ये संसार का असली नाटक क्या है ये मुझे समझना है। तो अलग अलग पर्पज से लोग आएंगे, मगर सबको मिलती क्या है? चेतना की दौलत। फिर धीरे धीरे ये बच्चा जब वापस आता तो कहता कुछ पैसे लुट गए मगर आधे बरकरार है। 100 रुपये लेकर गए तो 50 रुपये अभी भी जेब में है, यानी हर वक्त फिर 50 रुपये जेब में रहते हैं। यानी अभी इतनी लेवल आ गई, चेतना भी गिरती है मगर 50 से नीचे नहीं। पहले तो क्या 100% डकैती होती थी। सबसे बड़ी डकैती यही है, लोग न्यूज में पढ़ते ना फलां बैंक में डकैती बढ़ गई, मैं सबसे बड़ी डकैती ये चेतना की चोरी। तो ये चोरी कैसे होती? बाहर कोई कुछ कहता है तो चेतना गिर जाती, दुख शुरू हो गया। तो इस असली दौलत को बरकरार रखने के लिए असली अध्यात्म। मगर इंसान शक्तियों पर साधना जब कर रहा है तो सिद्धियों वाले मार्ग पर चला गया। और लोगों को भ्रम क्या है? जो लोग सिद्धियां दिखाते हैं वो आध्यात्मिक है। भारत में तो ये बहुत हो गया, तांत्रिक लोगों ने, अघोरियों ने, शरीर की साधनाएं करने वाले लोगों ने जो प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, तो लोगों को लगा ये अध्यात्म है, ये पर्सन ये चमत्कार कर रहा है, ये अध्यात्म है, ये पानी पर चल रहा है, ये चमत्कार, तो ये आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे एक शिष्य ने ऐसी शक्ति प्राप्त की और गुरु को बुलाया कि देखो मैं पानी पर चल रहा हूं, पानी पर चलकर दिखाया। गुरु ने उसको 3 पैसे हाथ में दिए, शिष्य को समझा नहीं। गुरु ने बताया कि ये जो नाव जाती है नदी से पार करवाती है, ये 3 पैसे लेती है, ये 3 पैसे लेती है। 3 पैसे की साधना कर ली, तुम्हारी साधना की वैल्यू इतनी, 3 पैसे की साधना। कितना बुरा लगा होगा शिष्य को, उसको तो लगा तो बहुत शाबाशी मिलेगी कि देखो मैंने कितना चमत्कार कर लिया। अरे असली चीज पाए बगैर अगर सिद्धि में जाओगे अहंकार डबल मोटा हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये अध्यात्म है। अरे वो अध्यात्म नहीं है, उस पर्सन का मन मोटा हो गया, मोटा मन दिखता नहीं है, मोटा शरीर दिखता है, उस पर काम भी करते लोग, जिम जाते हैं स्लिम होने के लिए। मोटे मन को पतला करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं चलता। तो असली गुरु बताएंगे कि तुम्हारा मन मोटा हो गया सिद्धियों में जाकर, क्योंकि तुम शरीर की साधनाएं कर रहे हो, इसके लाभ हैं मगर आगे चलकर हानि प्रकट होने लगती है, उसका अहंकार जागने लग जाता है। तो चक्रास पर कोई कर रहा है, संवेदनाओं पर कर रहा है, तीसरे नेत्र पर कर रहा है, कोई अंदर लाइट देखता है, मैं लाइट को देखा, मगर लाइट को जो देख रहा है वो कौन? मगर वो जो प्रकाश को देख रहा है वो कौन? और जिस प्रकाश में वो प्रकाश दिख रहा है वो कौन सा प्रकाश? जिस प्रकाश में तुमने वो लाल पीली नीली लाइट देखी। देखो अंधेरा भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के अंधेरा भी नहीं दिखता, तो वो है तेज प्रकाश। तेज शब्द क्यों लाया गया? अध्यात्म की अनेकों समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि शब्दों की वजह से अध्यात्म करप्ट हो गया। तो एक नया शब्द है तेज।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।